दोस्तों ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारियों को भी मिलेगा बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह फेस्टिवल एडवांस। केंद्र सरकार ने लगाई मोहर, साथ में ही जानिए कितनी मिलेगी राशि और क्या रहेंगे नियम और शर्तें। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो यहाँ पर बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ग्रामीण डाक सेवा कर्मियों को भी फेस्टिवल एडवांस दिए जाने के संबंध में 22 जनवरी 2021 को डाक विभाग के द्वारा ये ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर जारी कर दिया गया है, यानी कि ऑफिशियल आदेश यहाँ पर जारी हो चुका है। तो इस आदेश के अनुसार बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारियों को भी 31 मार्च 2021 तक का जो पीरियड है, उस पीरियड के दौरान पड़ने वाले किसी भी महत्वपूर्ण फेस्टिवल मनाने के लिए ₹5,000 की राशि यहाँ पर फेस्टिवल एडवांस के रूप में दी जाएगी। यानी कि जो ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारी हैं उन्हें ₹10,000 की जगह पर ₹5,000 का फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा, क्योंकि बाकी केंद्रीय कर्मचारियों को ₹10,000 का फेस्टिवल एडवांस दिया गया है, लेकिन GDS को ₹5,000 ही यहाँ पर दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ नियम हैं और शर्तें भी यहाँ पर लागू की गई हैं कि कौन से ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारियों को ये मिलेगा और किसको ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कहा गया कि ऐसे ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारी जो कि ऑन ड्यूटी पर हैं और वो रेगुलरली उन्हें डेप्यूट किया हुआ है, यानी कि वो रेगुलर ऑन ड्यूटी पर हैं, उन्हीं ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस का भुगतान किया जाएगा। ये पहली कंडीशन। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारी जो कि अगले 10 महीने के अंदर सर्विस से रिटायर होने वाले हैं, उन ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारियों को इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी कि जिनकी नौकरी सिर्फ 10 महीने की ही बची है, उन ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारियों को इस फेस्टिवल एडवांस का भुगतान नहीं किया जाएगा। उसके बाद में ऐसे ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारी जो कि प्रोविजनली इंगेज हैं, यानी कि जो अस्थायी रूप से अभी उन्हें एंगेज किया हुआ है, उनको भी इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। और जो कि कुछ यहाँ पर जो लीव वैकेंसी है, जिनके अगेंस्ट किसी को यदि इंगेज किया हुआ है, तो उन GDS को भी इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। और ऐसे ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारी जो कि जिन्हें कि ड्यूटी से बाहर रखा गया है या फिर जिनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन यहाँ पर चल रहा है, केसेस यहाँ पर चल रहे हैं और केस पेंडिंग है, तो उन ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारियों को भी इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ नियम और शर्तें हैं जिनको फॉलो करते हुए ही योग्य पाए जाने वाले ग्रामीण डाक सेवा कर्मियों को ₹5,000 का फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि ये जो फेस्टिवल एडवांस है, ये इंटरेस्ट फ्री रहेगा, किसी प्रकार का इंटरेस्ट यहाँ से यानी इस अमाउंट पर GDS से चार्ज नहीं किया जाएगा। और इसकी रिकवरी जो है वो 10 महीने से के जो इंस्टॉलमेंट हैं उनसे यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवा कर्मियों से की जाएगी, यानी कि ₹500 हर महीने के हिसाब से GDS कर्मियों से इस ₹5,000 के एडवांस की रिकवरी की जाएगी। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि ये जो आदेश हैं ये 22 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेंगे, यानी कि इस पीरियड के दौरान ही ग्रामीण डाक सेवा कर्मियों को इन्हीं नियम और शर्तों के हिसाब से ₹5,000 के फेस्टिवल एडवांस का भुगतान किया जाएगा। तो अब यहाँ पर बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ग्रामीण डाक सेवा कर्मियों को भी ₹5,000 का फेस्टिवल एडवांस दिए जाने के लिए वित्त मंत्रालय ने मोहर लगा दी है, और अब ये भी अपना कुछ खर्चा जो है वो इस एडवांस से खर्च कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।